दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में पंचायत चुनाव महापर्व को लेकर आज से छठे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन का कार्य शुरू हो गया है, जिसके तहत नालंदा जिले के बिहार शरीफ और परवलपुर प्रखंडों में आगामी 11 अक्टूबर तक नामांकन के कार्य किए जाएंगे। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों के द्वारा तरह तरह का कारनामा किया जा रहा है। इसी कड़ी में नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड क्षेत्र के सकरौल पंचायत की वर्तमान मुखिया प्रत्याशी निशा भारती के द्वारा नामांकन के पूर्व वोटरों को लुभाने के लिए बड़े पैमाने पर मछली चावल का भोज दिया जा रहा था, जिसकी सूचना किसी ने वरीय पदाधिकारी को दे दी। सूचना मिलने पर बिहार शरीफ के अंचलाधिकारी और लहेरी थाना अध्यक्ष आनन फानन में बड़ी पहाड़ी स्थित अपना मैरिज हॉल पहुंचे, जहां करीब 1000 लोगों के लिए मछली चावल तैयार किया जा रहा था। पुलिस के पहुंचते ही मैरिज हॉल में भगदड़ मच गई। थानाध्यक्ष ने महिला प्रत्याशी निशा भारती से पूछताछ की, जहां पता चला कि वह आज अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए आई हुई थी और वोटरों को लुभाने के लिए उनके द्वारा ही इस मछली चावल का भोज दिया जा रहा था। वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में पुलिस वालों ने तुरंत भोज के आयोजन को बंद कराकर लोगों को मैरिज हॉल से बाहर निकालते हुए सारी सामग्री को जब्त कर लिया। अंचलाधिकारी धर्मेंद्र पंडित ने बताया कि निवर्तमान मुखिया व प्रत्याशी निशा भारती के द्वारा भोज का आयोजन किया गया है, इसकी सूचना मिली थी और इसी सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पूछताछ और उनके वाहन की तलाशी लेने पर पता चला कि आज अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए आई हुई थी। इसी दौरान उनके द्वारा इस भोज का आयोजन किया गया था। चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो हम आपको बताते चले कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सकरौल पंचायत की निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी निशा भारती के द्वारा नामांकन के पूर्व बड़े पैमाने पर वोटरों को लुभाने के लिए मछली चावल का भोज कराया जा रहा था और इस भोज पर आज मंगल के दिन पुलिस वालों ने अमंगल कर दिया। सूचना मिला था कि यहाँ पे सकरौल का मुखिया प्रत्याशी निशा भारती द्वारा भोज का आयोजन किया गया है और आज उसका शायद प्लान था नॉमिनेशन करने का, उसी के आलोक में हम लोग पहुँचे थे स्पॉट पे। तो यहाँ पे लगभग 500 की संख्या में लोग सब मौजूद थे। 250 केजी मछली तैयार हो रहा था। उसके बाद हम जब उनके गाड़ी सर्च किए तो उनमें नॉमिनेशन पेपर भी निकला, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा नॉमिनेशन का प्लान किया जा रहा था। भोज भात होने के बाद वो नॉमिनेशन करने जाती, तो फिर हम लोग आचार संहिता की तरफ से उसमें प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। हिरासत में ली गई हैं। हाँ, मुखिया जी अभी गए हैं थाने पे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।